नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए खेल जगत की बड़ी खबरें। T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टीम इंडिया की जीत के बाद स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाबाद 82 रनों की पारी खूब प्रशंसा की जा रही है। इसके अलावा कोई चर्चा में है तो वो है दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। 36 साल के क्रिकेटर जब क्रीज पर उतरे तो टीम इंडिया को जीत के लिए एक गेंद पर 2 रन की जरूरत थी। मोहम्मद नवाज ने उन्हें फॉलो करने की कोशिश की और लेग साइड में गेंद फेंकी। अश्विन ने चालाकी दिखाई और इसे वाइड जाने दिया। अगली गेंद पर उन्होंने इनफील्ड क्लियर किया और टीम मैच जीत गई। अब अश्विन ने भारत पाकिस्तान के बीच इस रोमांचक मैच को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर विराट कोहली की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि कोहली में कोई आत्मा घुस गई है। वहीं उन्होंने ये बताया कि वो तीसरे ओवर में पैड पहनकर बल्लेबाजी के लिए तैयार थे। इसके अलावा जब दिनेश कार्तिक आउट हुए तो वह उन्हें बहुत ज्यादा कोस रहे थे। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा हो और कोई विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साल 2008 का मंकी गेट विवाद कोई नहीं भूल सकता है। वहीं पिछले दौरे पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह पर नस्लीय टिप्पणी हुई थी। अब T20 वर्ल्ड कप 2022 में मैन इन ब्लू को ऐसा खाना परोसा गया कि उससे खिलाड़ी नाराज हो गए हैं। BCCI सूत्रों के अनुसार उन्हें प्रैक्टिस सेशन के बाद ठंडा खाना परोसा गया था। मेन्यू में सैंडविच था। यही नहीं, टीम इंडिया ने प्रैक्टिस के लिए भी मना कर दिया है। इसका कारण ये है कि उन्हें होटल से कम 45 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार BCCI सूत्रों ने बताया, टीम इंडिया को जो खाना परोसा गया वो अच्छा नहीं था, उन्हें सिर्फ सैंडविच दिया गया। उन्होंने ICC को ये बताया कि सिडनी में अभ्यास सत्र के बाद दिया गया खाना ठंडा था और अच्छा भी नहीं था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का नाम भी शामिल हो चुका है विराट कोहली की तारीफ में। उन्होंने न सिर्फ कोहली की तारीफ की बल्कि पूर्व कप्तान के आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया। रवि शास्त्री का कहना है कि मीडिया और ट्रोल्स ने विराट कोहली पर बहुत दबाव डाला, लेकिन उसने सबको चुप करा दिया। इंडियन एक्सप्रेस के श्रीराम वीरा से विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ पारी की बात करते हुए रवि शास्त्री ने कहा, मैं जब विराट की सबसे बेहतरीन T20 पारी देख रहा था तो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। मैं बस इसका इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया में होगा। आप ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का रिकॉर्ड देखें, यहाँ की पिचें कोहली के अनुकूल हैं। वो ऑस्ट्रेलियाई मैदानों और प्रशंसकों के खेल के साथ खेलना पसंद करते हैं। कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ भी रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और वो मौका भी काफी बड़ा था। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।